नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन प्रेजेंट्स ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण में पर्यायवाची शब्द क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थुलकु स्वागतम। ఈ రోజు మనము వ్యాకరణ అంశంలో పర్యాయ పదాలను గురించి తెలుసుకుందాం। పర్యాయవాచి శబ్ద కిన్హే కహతే హై? పర్యాయవాచి శబ్దం కా అర్థ క్యా హై? సమాన అర్థ వ్యక్త కర్నే వాలే శబ్దం కో పర్యాయవాచి శబ్ద కహతే హై యా సమానార్థి శబ్ద కహతే హై। పర్యాయ పదాలు అంటే అర్థం ఏంటి? అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే వేరే పదాన్ని పర్యాయ పదంగా అంటారు। పర్యాయ పదాలను సమానార్థి శబ్ద అని కూడా అంటారు। పర్యాయ మతలబ్ సినోనిమ్, ఉసి అర్థ కో దేనే వాలా అన్య శబ్ద। ఆయే హమ్ దేఖేంగే పాఠ్యక్రమ్ మే కౌన్ కౌన్ సే ఐసే శబ్ద హై జిన్కే అనేక పర్యాయ హై। शब्द देखिए आग, आग के अनेक पर्याय हैं। अग्नि, आग को अग्नि भी कहते हैं। अनल, आग को अनल भी कहते हैं। अनल मतलब आग, जलाने वाला। पावक, पावक मतलब पवन के साथ बढ़ने वाला, मतलब हवा जब आती है तो आग भड़क जाता है, इसलिए उसको पावक भी कहते हैं, अग्नि को पावक कहते हैं। हुताशन, हुताशन मतलब क्या है? सभी को अपने अंदर मिला लेने वाला, मतलब आग एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें भस्म हो जाती हैं। जातवेद, आग को कहा जाता है। वैश्वानर भी आग को कहते हैं। तो अग्नि के या आग के पर्याय शब्द कौन कौन से हैं? अग्नि, अनल, पावक, हुताशन, जातवेद, वैश्वानर आग के पर्याय शब्द हैं। अग्नि, अनल, पावक, हुताशन, जातवेद, वैश्वानर। अगला शब्द देखेंगे घोड़ा। घोड़ा शब्द के पर्याय शब्द अश्व, घोड़े को अश्व भी कहा जाता है। उसी तरह से है, घोड़े को है कहते हैं, ये भी घोड़े का एक नाम है। बाजी, बाजी मतलब जिस पर चढ़कर सवार होते हैं ना, तो वो घोड़ा। घोटक संस्कृत शब्द है, घोड़े को कहते हैं। तुरग, तुरग भी घोड़े को कहा जाता है। तुरंगम घोड़े को कहते हैं। तो घोड़े के पर्याय शब्द क्या क्या है? अश्व है, बाजी, घोटक, तुरग, तुरंगम। उसी तरह से अगला शब्द है आकाश। आकाश के पर्याय शब्द क्या क्या है? नभ, आकाश को नभ भी कहते हैं। अंबर, आसमान, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, ये सारे पर्याय शब्द हैं आकाश के। और उसी तरह से अगला शब्द देखेंगे इच्छा। इच्छा मतलब चाह, चाह पर्याय शब्द है। अभिलाषा मतलब ये भी इच्छा है, कामना इच्छा को ही कहेंगे। वांछा मतलब चाह, आकांक्षा उम्मीदें, मनोरथ, ये सारे शब्द हैं इच्छा के पर्याय शब्द। उसी प्रकार पांचवा शब्द देखेंगे कमल। कमल के बहुत सारे पर्याय शब्द हैं। कमल के पर्याय शब्दों में अनेक पर्याय शब्द ऐसे हैं जो पानी के पर्याय शब्दों के साथ ज जुड़ने से कमल का पर्याय शब्द बनता है। कमल मतलब कमल कहाँ खिलता है? कमल पानी में खिलता है।
इसलिए कमल को पंकज कहते हैं। पंक मतलब क्या है, पंख का अर्थ है कीचड़, ज मतलब पैदा होने वाला। कमल कहाँ पैदा होता है, कीचड़ में या पानी में पैदा होता है। तो पानी के जितने भी पर्याय शब्द हैं उनके साथ ज जोड़ने से कमल का पर्याय शब्द बन जाएगा, जैसे कि पंकज मतलब कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। नीरज, नीर मतलब पानी, ज पैदा होने वाला। राजीव कमल को कहते हैं, सरोज कमल को कहते हैं, पद्म, अरविंद, ये सारे पर्याय शब्द हैं कमल के। और भी पर्याय शब्द हैं। अगला शब्द है घर, तो घर के पर्याय शब्द क्या हैं, देखिए भवन, सदन, मकान, गृह, आवास, निलय। घर के पर्याय शब्द भवन, सदन, मकान, गृह, आवास और निलय। अगला शब्द देखेंगे नदी। नदी को सरिता, सरिता मतलब निरंतर बहने वाली। तटीनी, तटों के साथ बहने वाली। तरंगिणी, लहरों के साथ बहने वाली। निर्झरिणी, निरंतर झरने वाली। सलीला, तो ये सारे शब्द हैं नदी के। पक्षी, पक्षी के पर्याय शब्द खग यानी कि पक्षी। विहंग पक्षी को कहते हैं, पखेरू। विहग परिंदा। अंडज, अंड मतलब अंडे में, अंडे से पैदा होने वाली पक्षी। तो पक्षी के पर्याय शब्द क्या हैं, खग, विहंग, पखेरू, विहग, परिंदा, अंडज। उसी तरह से पृथ्वी, धरती के पर्याय शब्द देखिए भूमि। धरा, धरती, धरणी, वसुधा, धरित्री। तो भूमि के पर्याय शब्द देखिए, पृथ्वी के पर्याय शब्द भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, धरित्री, अवनी, ये शब्द भी पर्याय शब्द है पृथ्वी का। समुद्र, समुद्र के पर्याय शब्द सागर। जलधि, जलधि, जल मतलब पानी, धि मतलब बहुत बड़ा भंडार। तो पानी जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में रहती है उसको समुद्र कहते हैं। रत्नाकर मतलब जिसमें रत्न मिलते हैं। पयोधि, पय मतलब पानी, धि मतलब भंडार। जल निधि, पानी का भंडार। सिंधु, ये सारे पर्याय शब्द हैं समुद्र के। क्या क्या हैं देखिए, सागर, जलधि, रत्नाकर, पयोधि, जलनिधि, सिंधु, ये पानी के पर्याय शब्द। अगला शब्द देखेंगे सूर्य, सूरज के पर्याय शब्द को। दिनकर मतलब जिससे दिन की शुरुआत होती है, दिनकर। भास्कर, रवि, प्रभाकर, आदित्य, मित्र। यहां पर देखिए सूर्य के पर्याय शब्द, सूर्य के पर्याय शब्दों में मित्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्याय शब्द है। मित्र कहते हैं सूर्य को। दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, मित्र, ये सूरज के पर्याय शब्द। अगला शब्द देखेंगे अपमान, मतलब कोई इंसल्ट होता है ना तो उसका पर्याय शब्द। अनादर, बेइज्जती,
अवमानना, निरादर, तिरस्कार। अपमान के पर्याय शब्द अनादर, बेइज्जती, अवमानना, निरादर, तिरस्कार। उसी तरह से अनुपम मतलब अद्भुत रहने, जिसकी उपमा कोई नहीं है, ऐसी वस्तु जो कि अनोखा है, बहुत कीमती है, तो उसको हम लोग अनुपम कहते हैं। अनूप का अर्थ भी अनुपम। अपूर्व जो पहले कभी नहीं था। अतुल जिसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, मतलब जो एक अकेला है, जो बेशकीमती है, तो उसको अतुल कहते हैं। अनोखा बिल्कुल अलग, अद्भुत पहले कभी नहीं था। अनन्य, अन मतलब नहीं, अन्य दूसरा कोई नहीं है, वो एक एक अकेला ऐसा है, तो उसको हम लोग अनुपम कहते हैं, मतलब बिल्कुल निराला, बिल्कुल नया, बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल अद्वितीय, तो उसको हम लोग अनुपम कहेंगे। पर्याय शब्द देखिए अनूप, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। अगला शब्द देखेंगे अंधकार, यानी कि अंधेरा। तम, तम का अर्थ अंधकार, तिमिर अंधकार को कहते हैं, अंधेरा भी अंधकार को कहेंगे, अंधियारा, अंधियारा शब्द भी अंधकार का पर्याय है, तमस अंधकार, तिमिश्र ये भी अंधेरे का पर्याय शब्द। तो अंधकार अंटे चीकटी, दीनिकी पर्याय पदाल चूडंडि, तम तिमिर अंधेरा अंधियारा तमस तिमिश्र, ये सारे पर्याय शब्द हैं अंधकार के। अगला शब्द देखेंगे जल, पानी के बहुत सारे पर्याय शब्द हैं, पानी अंटे नीति योग पर्याय पदाल चाला उन्हें, पानी साधारण शब्द है, नीर, सलिल, वारी, अंबु, ये सारे पर्याय शब्द हैं, और भी पर्याय शब्द हैं पानी के। वायु इस शब्द के पर्याय शब्द पवन, समीर हवा, मारुत अनिल, अनिल अनल अनिल, दो शब्द देखिए, अनल का मतलब आग है, अनिल का मतलब हवा। हनुमान का नाम है अनिलात्मज, मतलब वायु पुत्र, तो वायु हवा का पर्याय है, तो अनिल कहना चाहिए, अनिल हवा का पर्याय है, अनल आग का पर्याय है, दोनों शब्दों में फर्क है। देखिए वायु के पर्याय शब्द देखिए पवन, समीर, हवा, मारुत, अनिल। अगला शब्द है पेड़, पेड़ को वृक्ष, तरु, झाड़, विटप। पेड़ के पर्याय शब्द क्या है, वृक्ष, तरु, झाड़, विटप। अगला शब्द है नारी, यानी कि स्त्री, तो स्त्री के पर्याय शब्द देखिए औरत, महिला, स्त्री, सबला। स्त्री के पर्याय शब्द क्या क्या हैं, औरत के पर्याय शब्द औरत, महिला, स्त्री, सबला। अगला शब्द है मनुष्य, मानव, नर, इंसान, आदमी। मनुष्य के पर्याय शब्द मनुष्य, नर, इंसान, आदमी। उसी तरह से चांद के पर्याय शब्द चंद्र, शशि, शशि किरणों से उतर उतर कर, प्रथम रश्मि कविता में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, शशि मतलब चंद्र। रजनीश यानी कि रात का राजा, सोम
कलानिधि मतलब अपने रूप को बदलने वाला। चंद्र के पर्याय शब्द चंद्र, शशि, रजनीश, सोम, कलानिधि। उसी प्रकार दिन के पर्याय शब्द दिवस, दिवा, वार, याम। दिन के पर्याय शब्द दिवस, दिवा, वार, याम। शिक्षक, शिक्षक के पर्याय शब्द शिक्षक यानी कि अध्यापक, गुरु, अध्यापक, आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय। अंडे उपाध्याय अंडे शिक्षक अने पदानिकि पर्याय पदालु गुरु, अध्यापक, आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय। उसी तरह से अगला शब्द है धन, धन के पर्याय शब्द दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त, अर्थ। धन के पर्याय शब्द दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त, अर्थ। वित्त शब्द हम सिविक्स में यानी कि अर्थ पौरशास्त्र में हम लोग इस शब्द का बहुत प्रयोग देखते हैं और अर्थशास्त्र में भी प्रयोग होता है। फूल का पर्याय शब्द पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी। पुष्प के पर्याय शब्द पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी। उसी तरह से अगला शब्द है माता। माँ के पर्याय शब्द क्या क्या है देखिए, माँ, जननी, अम्मा, अम्बा, माई, मैया। देखिए माँ, जननी, अम्मा, अम्बा, माई, मैया, ये सारे शब्द माँ के लिए पर्याय शब्द है। तो अब हम देखेंगे अभ्यास में कौन कौन से पर्याय शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो अभ्यास में से आते हैं, तो इसलिए इन शब्दों को महत्वपूर्ण शब्दों की सूची में रखिए और इनको बार बार अभ्यास कीजिए। तो अभ्यास में पहला शब्द है अभिप्राय। अभिप्राय यानी कि ओपिनियन। अभिप्राय अंटे अर्थमेंटी, अभिप्रायमु अंटे मीरु एम आलोचिस्तुन्नारो, మీ అభిప్రాయం ఏంటో అది. ఇస్కే పర్యాయ శబ్ద, దీనికి పర్యాయ పదాలు ఏమున్నాయి చూడండి. ఉద్దేశ్య మతలబ్ ఆప్కా ఉద్దేశ్య క్యా హై, మన్షా దీనికి ఆప్కీ ఇచ్ఛా క్యా హై, ఆకాంక్ష ఇచ్ఛా ఆశయ. తో అభిప్రాయ శబ్దకే పర్యాయ శబ్ద క్యా క్యా హై, ఉద్దేశ్య, మన్షా, ఆకాంక్ష, ఇచ్ఛా, आशय। उसी प्रकार अगला शब्द है कमल। कमल इसे पहले पढ़ चुके हैं, पंकज, जलज, नीरज, अरविंद, सरोज, ये पर्याय शब्द है पंकज, जलज, नीरज, अरविंद, सरोज। अंबुज, उत्पल भी कहते हैं, उत्पल, पद्म, इंदीवर, नलिन, कितने सारे पर्याय शब्द हैं कमल के। अंबुज, अंबु मतलब पानी, ज पानी में पैदा होने वाला, उत्पल, पद्म, इंदीवर, नलिन, ये शब्द भी कमल के पर्याय शब्द हैं। उसी प्रकार सूर्य के पर्याय शब्द, सूर्य के पर्याय शब्द देखिए, सूर्य, रवि, आदित्य, अरुण,
दिवाकर, सूर्य, रवि, आदित्य, अरुण, दिवाकर। उसी प्रकार धरती के पर्याय शब्द भूमि, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, अवनि, मही, जमीन। भूमि के पर्याय शब्द भूमि, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, अवनि, अवनि, मही, जमीन। ये पर्याय शब्द है धरती के। उसी प्रकार पेड़ के पर्याय शब्द तरु, वृक्ष, द्रुम, विटप, झाड़। पेड़ के पर्याय शब्द हैं तरु, वृक्ष, द्रुम, विटप, झाड़। धन के पर्याय शब्द दौलत, संपत्ति, वित्त, संपदा। दौलत, संपत्ति, वित्त, संपदा, ये धन के पर्याय शब्द। उसी प्रकार शरीर के पर्याय शब्द देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात। गात कहते हैं शरीर को, गात कहा जाता है। देह, तन, काया, कलेवर, अंग, गात। अगला शब्द है मार्ग, यानी कि रास्ता, राह, पथ, रास्ता, गलियारा, वीथी। मार्ग के पर्याय शब्द राह, पथ, रास्ता, गलियारा, वीथी। इस प्रकार पर्याय शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो समान अर्थ को देते हैं। तो इन शब्दों को अधिक से अधिक सीखना चाहिए, जिससे हमारी भाषा सुदृढ़ होती है और हम भी जो भी सोचते हैं उसे सशक्त रूप से बोल सकते हैं। तो भाषा की सुदृढ़ता के लिए शब्द भंडार की वृद्धि बहुत आवश्यक है। आइए अगली कक्षा में फिर एक पाठ के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।